हम वायुयान की बात करते हैं, बताया कि रामचंद्र जी लौटे जब, तो वो पुष्पक विमान से वापस आए, उसमें भी विमान था। हम हर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कहते हैं, सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, उस समय टेस्ट ट्यूब भी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं इस चीज को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौशल विकास की अपार संभावनाएं हमारे भारतवर्ष में थी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने इस विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी बीजेपी नेता द्वारा इस तरह का बिना सिर पैर वाला बयान दिया गया हो। इससे पहले भी कई अन्य नेता इस तरह के अजीबोगरीब बयान देते आए हैं। हम आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ही बिना सिर पैर वाले बयान। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। मैं गर्वबोध करता हूं मेरे को इस देश में जन्म हुआ है जो देश टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे आगे चल रहा था। मैंने ये कहा है, आज जो पढ़ाया जाता है, हमारे पूर्वजों ने साइंस इस बात को सिद्ध कर चुकी है। पिछले हजारों लाखों वर्षों में जब से हम नाना दादा दादी की कहानी सुनते आए, नाना नानी की कहानी सुनते आए, जब से किताबें लिखी गई, आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं लिखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है, और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल करने की जरूरत है। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। हमने जिनको भगवान का और ये राम भक्त हनुमान है, वो वास्तव में आदिवासी नेता थे। तुम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हो, तो प्रथम दुनिया के इस सृष्टि पर, इस वर्ल्ड में प्रथम आदिवासी नेता तो वो हनुमान जी हैं। सबसे ज़्यादा अगर मंदिर हैं, टेंपल हैं, तो 86 लाख मंदिर हनुमान जी के वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि नेताओं को अपनी बयानबाजी के लिए फटकार नहीं मिलती। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई बार ऐसी बयानबाजी पर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को ऐसे बयान से बचने की सलाह भी दी, लेकिन आए दिन ऐसे उल जुलूल बयान देने का सिलसिला जारी है। वीडियो डेस्क, नई दिल्ली।